अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो ब्लॉग्स एंड फैशन में आपको वेलकम करती हूँ। और हम सब सॉरी बिकॉज मैं पीछे 2 महीने से वीडियोस जो अपलोड नहीं कर सकी उसके लिए। तो इंशाल्लाह मैं डेली बेसिस पे आपका ये वीडियो लेके आऊँगी। तो आपको वीडियो देख के अंदाज़ा हो गया कि आज के जो ड्रेस के डिज़ाइन की जो कलेक्शन है वो ब्राइडल ड्रेसेज हैं। तो ब्राइडल ड्रेसेज इसलिए हैं क्योंकि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से शादी हो गई है। तो मैंने बहुत बेसिकली मैं जंग से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने पूरे जंग में बहुत सारे बुटीक सेंटर्स से और इसके अलावा शॉप से लहंगे की जो ड्रेस कलेक्शन है देखी। मुझे ड्रेसेस पसंद नहीं है क्योंकि हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका जो ब्राइडल ड्रेस है वो सबसे अलग हो, डिफरेंट हो और बहुत ही प्यारा हो, जैसा कि उसने ख्वाब देखा होता है। तो मैंने तकरीबन बहुत ड्रेसेस देखे और पूरे तकरीबन 1 महीने पूरा मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं कौन सा ड्रेस लूँ। तो फाइनली शादी से 2 दिन पहले मीन्स 20 मार्च को मेरी बात फाइनल हुई थी और 24 अप्रैल को जाके मैंने एक ड्रेस ले लिया था। पेमेंट मैंने कर दी थी लेकिन मुझे वो बहुत डाउट हो रहा था, तो मैंने वो पैसे जाने दिए, मैंने ड्रेस भी चेंज कर दिया, पैसे वापस नहीं हुए। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी, फिर मैंने दोबारा जाके शादी से 1 दिन पहले मैं ड्रेस लेके आई थी। तो ये जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि हर किस्म के ये कोरे में दबके में ड्रेस की कलेक्शन है। ये जो है ये बहुत यूनिक और डिफरेंट स्टाइल था, आजकल के हिसाब से है, मॉडर्न ड्रेस डिज़ाइन था लेकिन ये टेल में नहीं था। मुझे ड्रेस ऐसा चाहिए था कि जो कि कुर्ती बहुत शॉर्ट हो और जो उसका लहंगा है वो टेल में हो। तो ये एक ड्रेस मुझे टेल पे पसंद आया था लेकिन ये इसकी ग्रेस बहुत ज़्यादा थी। ड्रेस का कलर बहुत अच्छा था, फ्रेश कलर था, रेड, प्योर रेड जिसको कहते हैं। लेकिन इसमें ये टेल ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मुझे तो फुल टेल चाहिए थी, थोड़ा सा हट के थोड़ा सा डिफरेंट ड्रेस चाहिए था। लेकिन ड्रेस जितने भी थे बहुत ही ज़बरदस्त थे। ये वाला ड्रेस भी बहुत खूबसूरत था जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, लेकिन ये ज़्यादा खुला नहीं था। ड्रेस का कलर अच्छा था, इसके डिज़ाइन कलर अच्छे थे, इसकी कुर्ती बहुत ज़बरदस्त थी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बहुत सिंपल सी थी और यूनिक थी, और जैसा कि मुझे चाहिए थी, मुझे लॉन्ग में नहीं कुर्ती चाहिए थी, मुझे शॉर्ट में चाहिए थी, लेकिन इसमें टेल नहीं थी और दूसरा ये ज़्यादा खुला नहीं था। तो ये वाला जो ड्रेस था ये बहुत ही खूबसूरत था, मुझे बहुत पसंद आया था, मैं लेने भी लगी थी, डन हो गया था। लेकिन दूसरे दिन घर जब घर गई सोचा तो फिर मैंने इसको स्किप कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो में मैंने जितनी भी शॉपिंग की थी, मैंने ड्रेस डिज़ाइन दिखाया, आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरे चैनल पर नहीं हुआ तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अभी मैं आपको एंड में दिखाती हूँ कि मैंने फाइनली कौन सा जो ड्रेस है वो मैंने सेलेक्ट किया। तो आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको मेरा जो ड्रेस है वो कैसा लगा। तो इंशाल्लाह मैं रेगुलर बेसिस पर आपके लिए वीडियो लेके आया करूँगी, और जितनी भी मैंने शॉपिंग की अपनी शादी की वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, तो एंड में मैं दिखाती हूँ आपको अपना लहंगा। ये आप देख सकते हैं लहंगा कलर बहुत अच्छा है, इसके अलावा काम बहुत VIP और आजकल ट्रेंड के हिसाब से था। और इसके अलावा जो मुझे कुर्ती चाहिए थी, बाजू भी फुल थे, कुर्ती शॉर्ट थी और जो लहंगा था वो टेल में था और बहुत ही खूबसूरत और यूनिक था। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लहंगा था, ये 2 लाख का लहंगा था। तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरा लहंगा कैसा लगा। मेरी वीडियो को एंड तक देखें और मेरे कमेंट्स में लाजमी बताएं। इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। आप वीडियो को एंजॉय करें और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी।